मध्य प्रदेश में दो कलेक्टर इन दिनों चर्चा में, क्योंकि दोनों ने काम ही ऐसा किया है जिससे लोग उन दोनों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अभी अधिकारी कौन हैं और इन्होंने आखिर ऐसा क्या कर दिया? इस रिपोर्ट में। अपने कामकाज के तरीकों और रवैयों से सरकारी तंत्र हमेशा आलोचना का शिकार होता रहा है, लेकिन छतरपुर और बड़वानी के कलेक्टर ने वो काम किया है जिससे सरकारी मशीनरी की जमकर चर्चा हो रही है। दरअसल दोनों कलेक्टर ने जनता के बीच जाकर उनका मन जीत लिया, जिसकी चर्चा जमकर हो रही है। छतरपुर जिले की अगर बात करें तो यहाँ कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने आवास योजना में चल रहे भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए महिला से लिए गए 6,000 रुपए वापस दिलाए। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह जिले के महेवा गांव में चौपाल लगाने गए थे। रात की इस चौपाल में कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को आवास योजना में पैसे लेने की बात पता चली, जिसके बाद कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने जनपद सीओ को बुलाकर महिला से लिए गए 6,000 रुपए वापस दिलाए। कलेक्टर के इस कदम के बाद ग्रामीणों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। छतरपुर कलेक्टर की तरह ही बड़वानी कलेक्टर भी चर्चा में रहे, क्योंकि कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा दौरे पर निकले थे, जहां पाया कि बच्चों को पढ़ाने के लिए सभी विषय के शिक्षक नहीं हैं, जिसके बाद कलेक्टर ने स्वयं चौक उठाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। कलेक्टर ने छात्रों को रेखा, आयतन, घन मीटर और क्षेत्रफल निकालना सिखाया। आज मैं उपला हाई स्कूल में यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर क्लास 9th और 10th के कुछ बच्चे हैं, एक मास्टर जी यहाँ पढ़ा रहे हैं, और मैंने देखा कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हर सब्जेक्ट के टीचर भी नहीं है, तो मुझे भी लगा कि मैं बच्चों को थोड़ा सा मैं पढ़ाऊँ। आज मैंने मैथमेटिक्स से बच्चों को पढ़ाया हुआ है। बच्चों को मैंने लंबाई निकालना, क्षेत्रफल निकालना और आयतन निकालना ऐसी कुछ टिप्स दी हुई है। कलेक्टर इलाकों के दौरे पर निकले तो उन्हें जमीनी हकीकत पता चली। कहीं भ्रष्टाचार हो रहा था, कहीं पढ़ाने के लिए टीचर नहीं थे। ऐसे में जरूरत है कि हर जिलों के कलेक्टर अगर ऐसे ही जनता के बीच जाने लगे तो वो दिन पूरे नहीं, जब धीमी रफ्तार से ही सही, लेकिन व्यवस्था में बदलाव तो देखने को मिलेगा। छतरपुर से राजेंद्र और बड़वानी से हेमंत गर्ग के साथ टीम न्यूज स्टेट।